क्या करना है, कंडेंसर में आपने 150 से 200 PSI तक प्रेशर बगैर टेंशन का डालना है नाइट्रोजन का। इस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे कि क्यों नाइट्रोजन यूज़ करना चाहिए लीक टेस्टिंग के लिए और क्यों फ्रेओन यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसका गेज के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करेगा कि गेज क्या होता है, कौन सा प्रेशर किस लिए होता है, यानी लीक टेस्टिंग के लिए नाइट्रोजन को क्यों यूज़ करना चाहिए। क्या होता है, जब आपका फ्रेओन होता है, कोई भी फ्रेओन है, वो टेम्परेचर के साथ उसका प्रेशर कम होता है ज़्यादा होता है, यानी आप दोपहर में अगर इसमें फ्रेओन चार्ज कर लेते हो लीक टेस्टिंग के लिए, तो शाम को टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो आपका प्रेशर 1 PSI 2 PSI कम होगा, यानी टेम्परेचर के साथ आपके जो फ्रेओन है वो अपना प्रेशर कम करता है, ज़्यादा करता है, हीट के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको कभी भी प्रेशर अप डाउन नहीं होता है, यानी टेम्परेचर अगर हॉट हो जाए या कोल्ड हो जाए, वो आपका जो प्रेशर है वो आगे पीछे नहीं होता है नाइट्रोजन का। इसीलिए हमेशा लीक टेस्टिंग के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करना चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले तो गेज देखें, इसमें दो गेज लगे हैं, देखें एक जो आपका गेज है ये वाला, इसमें अगर आप देखें तो ये 4000 PSI तक है और 28000 KPa तक है। PSI ये प्रेशर है, KPa भी प्रेशर है, ये स्केल है, एक PSI भी एक स्केल है, KPa भी एक स्केल है। तो ये वाला जो प्रेशर है, हम लोग नॉर्मली PSI में काम करते हैं, PSI को ही यूज़ करते हैं, ये आपका प्रेशर है 4000 PSI तक, और ये जो दूसरा गेज है ये आपका 600 PSI तक। क्यों ये कम है और क्यों ये ज़्यादा है, ये जो आपका गेज है ये आपको सिलेंडर का प्रेशर बताएगा, क्लियर। ये सिलेंडर है, इसके ऊपर ये लगा है, ये आपको सिलेंडर का प्रेशर बताएगा, ये वाला गेज अभी कॉल के दिखाएगा भी, ये आपको लाइन का प्रेशर बताएगा, जो आपका यूनिट है जिसमें आप डाल रहे लीक टेस्टिंग के लिए, आपको ये बताएगा। मैं इसको खोलेगा, पहले कॉल के आप लोगों को दिखाएगा इसी का प्रेशर कि सिलेंडर का प्रेशर कितना है, और उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाएगा कैसे आपको खोलना है, ये इसका वाल है, इसके बारे में भी बताएगा। तो पहले मैं खोल देता हूँ सिलेंडर को और गेज देखते हैं किधर तक जाता है। ये देखें, ये आपका गेज 1500 1600 1700 1700 PSI आपके सिलेंडर का प्रेशर है, ये जो गेज है ये आपको सिलेंडर का प्रेशर बताएगा। और दूसरा वाला है, इसको कैसे देखें, ये अभी मैं इसको लूज़ करेगा और प्रेशर रिलीज़ करेगा, उसके बाद दिखाएगा कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। इसको मैंने लूज़ कर लिया और प्रेशर गेज से मैं गैस रिलीज़ करेगा इसका, ओके अभी क्लियर हो गया, ये आपका ज़ीरो पे आ गया। क्या करना है, आपने आपका जो भी यूनिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक स्प्लिट एसी है, उसका कंडेंसर R22 का है, हाई प्रेशर का है, तो उसका डिस्चार्ज प्रेशर 250 PSI से 300 PSI तक होता है। तो आपने क्या करना है, इसको 300 तक आप प्रेशर दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर आपके सिस्टम में लीक है, छोटा है बड़ा है, अगर माइनर लीकेज है तब जाके आपने फुल प्रेशर देना है, और एंडोर में आपने 150 PSI देना है। क्यों, क्योंकि एंडोर में लो प्रेशर होता है और कंडेंसर में हाई प्रेशर होता है। अभी मेरे पास एक रेफ्रिजरेशन यूनिट है, तो इसमें मैं 100 तक प्रेशर भरेगा, कैसे भरने का है इसमें प्रेशर, ये जो इसका वाल है इसको आपने टाइट करना है, ठीक है, टाइट करोगे तो आपका प्रेशर गेज देखने का, गेज ऑब्जर्व करो, देखिए ये अभी भरने लगे हैं, मैं वाल का नीचे होल टाइट करेगा और प्रेशर भरेगा, अभी देखिए इसको देखते रहने का है और गेज भी देखने का, गेज भी साथ साथ में दिखाएगा, गेज भी देखने का, गेज का भी प्रेशर हाई प्रेशर का, ये वाला सिस्टम के ऊपर ये लगाए, ये आपका इस सिस्टम के ऊपर लगाए,
इसका मैंने कंप्रेसर चेंज किया है, ये इसका कंप्रेसर है और इसका मैं लीक टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने नाइट्रोजन भरना है दोनों प्रेशर को, इसको भी देखना इसको भी देखना, यानी इसमें जो प्रेशर आपको दिखाएगा वही उतना ही प्रेशर आपका सिस्टम में जाएगा। इसी तरह ही इसको टाइट करने से आपको कितना भी प्रेशर चाहिए, इसको टाइट करने से आपको प्रेशर मिलेगा, इधर मिलेगा, जो प्रेशर आपको इधर मिलेगा वही प्रेशर आपका सिस्टम में जाएगा। तो मैंने इसमें 100 भरना है, मैं 100 तक लेके जाएगा। ये देखे ये 100 पे चला गया, क्लियर। और ये वाला देखे ये भी 100 तक जा चुका है और ये भी 100 तक जा चुका है, थोड़ा सा इसमें कम है, दोनों में टाइट करेगा, देख सकते हैं 100 तक मेरा प्रेशर जा चुका है, ये भी 100 तक और ये भी 100 तक। अभी देखे इसमें मैंने 100 PSI तक नाइट्रोजन का प्रेशर भरा है। आपने क्या करना है, कंडेंसर में आपने 150 से 200 PSI तक प्रेशर बगैर टेंशन का डालना है नाइट्रोजन का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो इसका कूलिंग कॉइल होता है उसमें लो प्रेशर रहता है, लेकिन जो कंडेंसर होता है यह हाई प्रेशर का रहता है। 150 से 200 PSI तक आपको लीकेज मिल जाएगा और जो एंडोर होता है वो लो प्रेशर का रहता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं भरना चाहिए। लीक कैसे टेस्ट करना है, देखिए जो भी आपने टांके लगाए हैं उसमें आपने क्या करना है, ऐसा फॉर्म लेना है, उसको जिधर जिधर आपने टांके लगाए, जिस तरह ये टांका है और ये है और ये है, उधर आपने फॉर्म लगाना है। इसी तरह फॉर्म लगा के उसको टेस्ट करना है, इसी तरह नीचे हाथ रखना है, होल्ड करना है, होल्ड करके आपको किधर भी लीक रहेगा आपको लीक मिल जाएगा। इसी तरह करके आपने इसके ऊपर होल्ड रखना है। तो ये मैंने टांके लगाए हैं इसके, इसमें कोई भी लीकेज नहीं है। अगर इसमें कोई भी लीकेज रहेगा आपका जो प्रेशर है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, कितना भी छोटा लीकेज रहेगा आपका जो गेज है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको 10-15 मिनट में आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें लीक है या लीक नहीं है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।